हेलो हेलो हाँ बोल सावित्री। अग्नि को पुलिस पकड़ के ले गई है। इस पकड़ के ले गई? जी हाँ, वो पुलिस लॉकअप में है। लॉकअप में? ये जरूर अग्नि ने झगड़ा किया होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। तुम घबराओ मत, मैं भी आया। माँ बेकार में तूने बाबूजी को परेशान कर दिया। बेकार ही? यहाँ अग्नि को पुलिस पकड़ के ले गई और तू कहता है कि? माँ पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है ना। झगड़ा हुआ है उसका मार्केट में, मारपीट मारपीट, समझा ना? ठीक है माँ, तू जानती है ना उसकी आदत, हर बात पे गुस्सा आता है उसको, बात बात में करता है, हाथ पहले उठाता है। कपिल तू कहना क्या चाहता है, मैं उन्हें बताऊं तक नहीं? मेरा कहना यही था कि ऑफिस से आ जाते बाबूजी, फिर उनका मूड देख के बताए थे। और अग्नि? राजीव चुड़ाने गया है ना, चार फोन करेगा, मोबाइल पे सब ठीक कर देगा। पर सबसे बड़ा भाई तो तू है ना कपिल, तू। माँ उससे क्या होता है, पुलिस स्टेशन में इंटेलेक्चुअल बातों से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? मैंने कहा तो था, I said के let me go and discuss this whole matter with the police। लेकिन तेरी सामने राजीव बोला कि भाई साहब आप रहने दो, मैं चक्कर चलाता हूँ। तो अभी मैं क्या बोलूंगा, चलाओ भाई आप चक्कर चलाओ। कपिल कपिल तू तो ज्योतिष जानता है ना, पता ना बेटा अब क्या होगा। अरे माँ मेरे जानने से क्या होता है, जानने को तो मैं मार्क्सिज्म इतना जानता हूँ, तेरे सामने सब लोग आकर मुझसे डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं समाज को बिगड़ने से रोक पा रहा हूँ, ऐसी ज्योतिष का है। ज्योतिष से आदमी एक दूसरे को समझा सकता है, समझ सकता है। सुनिए, लेकिन जब आदमी खुद ही नहीं समझना चाह रहा हो तो ज्योतिष तो यही बोलेगा कि भाई दशा खराब है और क्या कहे, हर बात पे झगड़ा कर लेता है, हर चीज झगड़ा कर लेता है, और वो भी दूसरों के लिए। सुनिए, मैं आया मां। क्या है? जब तुम्हें मालूम है कि माँ को अग्नि के खिलाफ कोई भी बात सुनना अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्यों ऐसी बातें करते हो? अरे माँ ने ज्योतिष के बारे में पूछा तो मैं तो ऐसे ही बता रहा था। कोई जरूरत नहीं है बताने की, और फिर तुम्हारे बता देने से तुम्हारे भाई के हाथ बदल नहीं जाएंगी। देखो मेरा भाई जो भी है इस वक्त पुलिस लॉकअप के अंदर है। अरे मार्केट में जब लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर और क्या होगा, और जब ऐसा होगा तो घर का हर मेंबर उसके लिए दुखी भी होगा, उसका साथ भी देगा। हम जैसे भी रहे, हम लड़े झगड़े कुछ भी करें, लेकिन बाहर का कोई आदमी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा हम उसकी आंख फोड़ देंगे, समझ गई तुम? समझ गई, मैं तो समझी समझाई। अब वो माँ ने जो बाबूजी को फोन करके घर पे बुला लिया, उन्हें कौन समझाएगा? उनको माँ समझाएंगी। सावित्री सावित्री जी, जी। क्या हुआ? अग्नि को छोड़ा पुलिस ने क्या बेटा? जी नहीं, कहाँ जाएंगे, और राजीव क्या हुआ है? चाहता क्या है ये अग्नि? अरे तू यही है? मैं कहाँ जाऊँ? तू कहाँ जाएगा, बात क्या हो गई थी? बात पूरी तो पता नहीं है, लेकिन फोन पर पता चला है कुछ झगड़ा हुआ था, तो पुलिस सबको उठा के ले गई, अभी छोड़ देगी। और उनमें अपना अग्नि भी? जब मैंने उसको इतनी बार समझाया है कि हमें मारपीट से यहां दूरी रहना है, तो क्यों वो बार बार, ये बंबई है बंबई, अपना कश्मीर नहीं है, वहां होते तो फिर वहां होते तो कुछ भी नहीं कर पाते। सावित्री राजीव क्या है, कुछ ना कुछ कर लेगा, फिकर मत कर। कर लेगा राजीव, और हम सब यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे कब तक रह सकते हैं? मैं जाता हूँ। देख सुनिए, आप मत जाइए सावित्री, मुझे आप मत जाइए। अग्नि पर तेरी ये मारपीट यूं ही चलती रही ना तो ये घर कभी ठीक नहीं रह पाएगा अग्नि। लेकिन बाबूजी मेरी कोई गलती नहीं थी, अब राजीव से पूछ लो। मुझे कुछ नहीं पूछना है किसी से, मैं आखिरी बात तुमसे पूछता हूँ, क्या तू ये लड़ाई झगड़े बंद करेगा या नहीं? बाबूजी क्या मैं जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करता हूँ, मैं पागल हूँ क्या? फिर ये चोट, ये खून, ये पुलिस अरेस्ट, यही है शरीफों के लक्षण? मुझे नहीं मिलना ऐसा शरीफ, अपने
अपने काम पर चल पड़े। ऐसे शरीफों के साथ लेकिन अग्नि ऐसा नहीं बनेगा बाबूजी। तो क्या गुंडा मवाली बनेगा? यहाँ से भी निकलवाएगा हमें? देखिए बाबूजी, आप लोग जो वहां से निकले थे मेरी वजह से नहीं निकले थे। पलट के जवाब देता है अपने बाबूजी को। वहां से हम क्यों निकाले गए थे हम जाने, यहाँ क्यों झगड़ा करता है? बोल। 10 लोग भरे बाजार में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग को पीट रहे थे। बाबूजी आपकी उम्र का था वो? माँ वो बाबूजी की उम्र का था, एकदम शरीफ। मार मार के अजमारा कर दिया था उसे। ये सब देखकर मैं चुप रहता, इसलिए मैं लड़ा। और बाबूजी आइंदा मेरे सामने ऐसा कुछ भी होगा तो मैं लड़ूंगा। मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है बेटा? मैं बाहर जा रहा हूं माँ, यार दम घुटता है। अग्नि अग्नि सुन दो, अग्नि बच्चा नहीं रहा। अभी वही तो मैं भी कह रही। कह तो सिर्फ मैं रहा था, तुमने तो सीधा थप्पड़ जड़ दिया। देखिए जी, अगर आपको कोई पलट के जवाब देगा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कपिल आज दिन भर घर में था सारा। इसके मन में आजकल चल क्या रहा है सावित्री? मैं क्या जानू, मुझे तो लगता है नजर लग गया हमारे बच्चे। बाबूजी वो एक बात करनी है मुझे आपसे। बैठ। क्या है वो? मैं हाँ बोल बाबूजी, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो तू भी अब मजाक करने लगा है? नहीं बाबूजी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा दम घुटता है उस अखबार के दफ्तर में बाबूजी। दम? ठीक है, पर इस तरह से एकदम नौकरी छोड़कर तू करेगा क्या? मैं एक बार इस अखबार के दफ्तर से मुझे आजादी मिल जाए, मैं उसके बाद सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तू क्या सोचेगा और समझाएगा? अगर इतना ही गुमान है अपनी बुद्धि पर तो जहां तू नौकरी कर रहा है वहां क्यों नहीं समझा पाता अपनी बात? सावित्री, राजीव, यहां आओ। बाबूजी आप इन लोगों को क्यों बुला रहे हैं? अरे बुला के लगा ही नौकरी छोड़ रहा है। तुम्हारे सबूत नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए? पता नहीं मां, या तो ये 7:30 चल रही है वो, या तो ये चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है, उससे मेरा मन बहुत अशांत है, अशांति है। और शायद मेरे टैलेंट का जो मिसयूज हो रहा है उससे मुझे बहुत परेशानी है। अब मैं उस दफ्तर में नहीं जाऊंगा। वहां किसी ने कुछ तुझे कहा है क्या? वो क्या कहेंगे बाबू जी, उनकी सोच कोई स्तर है? तो मतलब उनके मुंह, अपने काम से काम रख। वहाँ दुनिया में रहकर दुनिया से मतलब नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तेरे बाबूजी देखना इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। और देख राजीव को कर रहा है ना अपनी वकालत, और अग्नि पढ़ रहा है लेकिन फिर भी ट्यूशन कर रहा है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? तू तो उन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है बेटा। माँ मानसिक असंतोष समझदार लोगों को होता है। तो तेरा क्या मतलब है, हम सब बेवकूफ हैं? बाबूजी मैंने आप सबके लिए तो नहीं कहा, मैंने अपनी बात कही। सब इकट्ठा घर में रहते हैं जैसे कि हम, तो घर घर ही हुआ ना, फिर ये सिर्फ अपनी बात कैसे हो सकती है? भाई सब बड़ी बड़ी बातें हैं, तेरे समझ में नहीं आई? क्यों करता है ऐसी बातें जो तेरी माँ तक की समझ में ना आए? बाबूजी मैंने तय कर लिया, और तय करने के बाद मैं उस दफ्तर में नहीं जा सकता।
पुत्री। क्यों रोती है सावित्री? नहीं करनी से नौकरी तो बैठने दे घर पे। अभी काफी जान बाकी है इतनी हड्डियों में। तुझे पैसों की तकलीफ ना कभी आई है और ना आई। रोना पैसों का नहीं है जी, पैसों की तो बात ही नहीं है। तो फिर क्या बात है? कितना हल्का महसूस कर रहा हूं, बोझ उतर गया। बिना कसम से मेरी आत्मा लग रहा फूल की तरह हल्की हो गई। तीन दिन से सोच सोच के मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। अरे मुझ जैसा थिंकर उस दो कौड़ी के सब एडिटर वर्मा के लिए काम करेगा? सारा काम मैं करूं, सारा पॉलिटिकल एनालिसिस मैं करूं, नाम उसका हो? उठ, नहीं करनी है नौकरी, जाओ। चाहे साढ़े साथी की दूसरी दशा चल रही हो या चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा हो, नहीं करनी है नौकरी, बस। निकी और संजू के स्कूल का क्या होगा? देखो वीना, ये छोटी मोटे प्रॉब्लम में मुझको मत फंसाओ। मैं इन छोटे मोटे प्रॉब्लम में फंसा रह गया मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। अरे मुझको बड़ा बनना है, बड़ा सोचना है, बड़े काम करने हैं, महान बनना है। ठीक है, तो फिर मुझे ही कुछ करने दो। हाँ तुम करो ना, मैंने कब रोका? करो, मैं कोई मेल शोविनिस्ट थोड़ी हूँ, करो करो। तो मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ। ब्यूटी पार्लर? हाँ, क्यों, समझ में नहीं आई? नहीं नहीं, समझ में आया। खोलो खोलो खोलो। कहाँ खोलोगी? अरे यही 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 कहाँ? अरे यही अपने घर पर। अब शुरू शुरू में दुकान का खर्चा बाबूजी से तो नहीं करवाना चाहिए ना? तुम घर में ब्यूटी पार्लर खोलोगी? नहीं मतलब माँ पता नहीं उनको कैसा लगे ना। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, चार दिन के बाद जब लोगों की नजरें बदल जाएंगी तब। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, पर वर छोड़ो। अभी जैसे तुमने हिम्मत जुटाई थी ना, कल बस फिर से उसी तरह एक बार हिम्मत जुटाओ मेरे लिए और बाबूजी से सब कुछ कह दो साफ साफ। देखता हूँ बाबूजी। वो वीना कुछ करना चाहती है। क्यों, तू कुछ नहीं कर रहा आजकल इसलिए? नहीं नहीं नहीं, वो बात तो है ही नहीं, बस ऐसे ही उसे लगा कि कुछ करना चाहिए, आप ही की बात से लगा। इनकी कौन सी बात? नहीं बाबूजी कहते रहते ना हमेशा कि आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो वही बात। चलो तुझे ना सही, बहू को ही याद रह गई हमारी बात। वो तो ठीक है, पर कपिल कल ही तो नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था और आज ही एक ही दिन में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई इस घर में बहू के लिए? नहीं मजबूरी की तो कोई बात ही नहीं है माँ, अपने घर में कैसी मजबूरी। तो फिर वो बाबूजी की वर्क इज वर्शिप वाली बात को पकड़ा है भी नहीं। क्या करना चाहती है बहू? ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। ब्यूटी पार्लर? माँ काम तो काम है, काम में किस बात की शर्म, फिर अपना पार्लर अपना काम हुआ ना। बाबूजी बात ठीक है ना? कहाँ खोलना चाहती है अपना ब्यूटी पार्लर? यही पर, मतलब अपने घर में। माँ शुरू शुरू में बाबूजी पर दुकानें किराए का बोझ डालना ठीक नहीं है। तू पागल तो नहीं हो गया? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों माँ, मैं ठीक सही कह रहा हूँ ना? एक मिनट बहू, कपिल तू इस घर का सबसे बड़ा बेटा और कैसी बातें कर रहे, क्या हुआ है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। मत कह कुछ तू, लेकिन कम से कम मेरे घर को घर तो रहने दे। लेकिन मीरा भी तो घर को पेश छोड़ रही। अरे उससे भी बुरा कर रही है, दुकान बना रही है मेरे घर को और मुझे ऐसी कैसी ऐसी जहाँ पर पता नहीं कैसी कैसी औरतें और लड़कियाँ दिन भर रहेंगी यहाँ पर। तो क्या हो गया, पैसे भी तो देंगे वो लोग हमको? पैसा पैसा पैसा, और जब मेरी जवान बेटी दिन भर इन सजने सवरने वालों को देखती रहेंगी तो क्या संस्कार मिलेंगे उसे? अजी क्या संस्कार मिलेंगे हमारी समझो अतिथि को? सजने के संस्कार में कौन सी बुराई है माँ जी? वही जो खूबसूरत दिखने के लिए घर पर दुकान बनाने में है।
जरा सोच बहू सोच, ये तेरे बाबूजी दिन में कभी थके हारे घर आना चाहे तो कहाँ आएंगे? पार्लर नहीं या उन औरतों की जमकर के बीच? ये अग्नि, राजीव, कपिल, संजय की रचना और मैं, जिससे इनसे लड़ लड़के छोटे छोटे हिस्से सब के लिए अलग अलग कमरे बनाए और हर कमरे में पूजा के साथ सबको बसाया, सारे घर को हमने मान लिया, ये घर तेरा है माँ, मान लिया, लेकिन अभी वो उसमें सिर्फ पार्लर ही तो खोलना जा रही है। नहीं खुलेगा मेरे घर में ब्यूटी पार्लर, सुन लिया, सुन लिया, ये घर सिर्फ माँ का है, हमारा तो कुछ भी नहीं। देखो वीना, माँ का ये मतलब नहीं है। तुम्हें क्या मतलब है? एक मिनट भाभी, ये तो तुम सबके सामने भैया को उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा बेटी, और तुम जो सरपंच के मार पीट करते रहते हो वो ठीक है? कुछ नहीं है तुम्हारा, सब कुछ माँ और बाबू जी का है। अग्नि तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? अग्नि को बीच में मत बोल, बात करनी नहीं आती तुझे। ठीक है बाबू, मुझे बात करनी नहीं आती। भाभी किस तरह से बात करिए तुमसे और बाबू जी से? बाबू जी ये ठीक नहीं, माँ ये बात ठीक नहीं। कबीर तू मत बोल। हाँ हाँ, अब तू कैसे बोल सकता है? इन्होंने जो कह दिया, मुझे बाबू मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुँह नहीं तोड़ तोड़ूंगा तेरे घर तोड़ने वालों को। अच्छा, तू मेरा मुँह तोड़ेगा? हाँ, तुम क्या पाला खोल कर देखो। हाँ, क्या कर लेगा तू अगर मैं पाला हमारी जड़ें शायद अभी वहां जिंदा हूं। हब्बा फदल की गलियों में जहां हमारा घर था, तब ये बच्चे छोटे थे, पर हमारी बात इनकी समझ में आती थी और इनकी बात हमको समझ में आती थी। तो अभी बड़े हो गए। क्यों हो गए ये बड़े? बहुत छोटा कर दिया है। उन पर तो भरोसा है, इसीलिए तो कहता हूं कि चल सावित्री, हम दोनों वापस जाते हैं कश्मीर, पराए मार भी देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चों के बाद इतने मन से लगा ली? बात मन की नहीं सावित्री, तेरे मेरे सपनों की है। मैं हूं ना